हेलो दोस्तों, आपके हमारे चैनल बॉबी टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा कि आधार कार्ड कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं, और हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताऊंगा। अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी। चलो मैं आपको कुछ लाइनें सुनाता हूँ। शिक्षा हमें अंगूठे से सिग्नेचर तक ले गई, लेकिन तकनीक हमें सिग्नेचर से अंगूठे के निशान तक ले गई। इसका मतलब यह है कि शिक्षा ने हमें अंगूठा छाप से सिग्नेचर करना सिखा दिया, लेकिन तकनीक ने हमें दोबारा सिग्नेचर से अंगूठा छाप बना दिया। इसी अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दोस्तों, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख लिया होगा, लेकिन अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि आधार कार्ड की कहाँ जरूरत होगी और कहाँ नहीं। आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी, सरकारी योजनाएं और सब्सिडी पाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आधार कार्ड की जरूरत कहाँ नहीं है। स्कूल में दाखिला लेने के लिए आपको आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी परीक्षा में जाने के लिए आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। बैंक खाता खुलवाने के लिए भी आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर लेने के लिए भी आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।